तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 3-4 महीनों से एनपीसीआई और एईपीएस से मिलकर काफी बदलाव किए हैं, जिससे हमारे एईपीएस बिजनेस पे काफी प्रभाव पड़ा हुआ है। तो भी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया जिसे मैंने बताया था कि एईपीएस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसी में साथ हमने एरिस्ट डिवाइस का भी नाम लिया था, किस तरह आप एरिस्ट डिवाइस के जरिए अपने बिजनेस को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी तक ने आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, उसमें टोटल 10 अपडेट बताए हुए एनपीसीआई की, जाकर उसको देख सकते हैं। वहां पर आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा एरिस्ट डिवाइस से। अगर आप एरिस्ट डिवाइस से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर आपका 2FA नहीं होने वाला, जैसे मैंने बताया था वीडियो में। साथ में आपका बीओबी और सेंट्रल बैंक का पैसा यहाँ पर विड्रॉ होने वाला है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको एरिस्ट डिवाइस को इस्तेमाल करना, कैसे यूज करना, और आपको लाइव प्रूफ अगर दिखाना हो कि यहाँ पर आपका 2FA बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं आपको पहले डिवाइस दिखाया, तो उसके अंदर आगे का प्रोसेस आपको सारे लाइव करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंगल आयरिस स्कैनर डिवाइस है। तो आज के इस वीडियो में इसी का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ में आपको लाइव टेस्ट करके दिखाने वाले हैं कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसका सेटअप करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। तो सबसे इसके हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े जो बॉक्स में दिया, उस पॉइंट्स को पढ़ने के बाद इसको हम अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ एडवांस टेक्नोलॉजी गारंटेड वेरिफिकेशन है, यहाँ पर बिल्कुल कोई फ्रॉड इस आईआरएस नहीं होने वाला है। और यहाँ पर कुछ और भी, यहाँ पर इसका जो रेटिंग है, यानी कि जो पॉइंट्स इसका यूएसपी 2.0 है, इनकी स्पीड है उसका, ये एंड्रॉइड और विंडोज दोनों में सपोर्ट करता है, ये दोनों में इसको यूज कर सकते हैं। और ये फास्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर बिल्कुल फास्ट वाला और सिक्योर ट्रांजेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए इसे फटाफट ओपन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार डिवाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम लोग खोल लेते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या कैसी हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर पहले हमें एक स्टैंड मिल जाता है इस तरह का, जो कि एरिस में लगता है फ्रंट में, उसके बाद हमें एक डिवाइस मिल जाता है और यहाँ पर एक मैनुअल गाइड मिल जाता है। साथ में आपको सेंसर को वॉश करने के लिए एक क्लोथ मिल जाता है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग वॉश को साइड में करते हैं। और ये हमारा दो चीज मेन हो गया, एक हमारा स्टैंड हो गया है, एक हमारा डिवाइस है। तो चलिए हम लोग डिवाइस को भी ओपन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार हमारा डिवाइस है, ठीक है। और ये हमारा जो है सेंसर है, सॉरी स्टैंड है, इसमें हमारा सेंसर है, दोनों इस प्रकार है। बिना इसके आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे सक्सेसफुल, क्योंकि ये आपके डिस्टेंस को पार्टिकुलर सेट करके रखता है कि आपका जो डिस्टेंस होता है, यानी कि जो आपका आग का जो रेटिना इसमें बिल्कुल सेट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लगाने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह का कुछ खाली पार्ट होगा, आपको इस पर रखना है और ऐसे करके पुश कर देना है। देखिए जैसे ही पुश करेंगे तो इसमें सेट हो जाएगा, अब इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हो गया डिवाइस, चलिए इसको हम लोग एक बार मोबाइल में सेटअप कर लेते हैं। तो ये हो गया इसमें सेट करने का, ऐसे आप सेट कर सकते हैं। अभी किस तरह आपको फोन में इसका सेटअप करना है और इसका आईडी सर्विस कैसे आपको डाउनलोड, वो भी आपको बता देता हूँ। तो अभी आप स्क्रीन पे बगल पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हैं आयरिस स्कैनर सर्च करें तभी आ जाएगा, नहीं तो इसका मॉडल भी आप सर्च करते, कोई दिक्कत इसका मॉडल डाल के सर्च करेंगे तो वो भी डालेंगे तो V2 करके इसका ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं MIS 100 V2 RD सर्विस ये वाला, यानी कि सेकंड में यार इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन में पहले से इंस्टॉल है, आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का तो उसको ओपन कर लेना है, जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगा, मोबाइल में ओपन होता है, यानी कि मोबाइल वाला बायोमेट्रिक होता है उसी तरह ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको डिवाइस को प्लग कर लेना, तो चलिए इसको हम लोग प्लग कर लेते हैं। स्क्रीन पर बगल में देख सकते हैं, जैसे ही प्लग करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है, मैनेजमेंट सर्वर भी आपका अवेलेबल है, और साथ में डिवाइस नॉट कनेक्टेड था तो डिवाइस अभी आ चुका है, आप ओके करेंगे तो तीनों ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब डिवाइस हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर अटैच हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर कैप्चर का ऑप्शन है, कैप्चर करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस बार टेस्ट भी कर लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसे हम इसको पहले लगा लेते हैं, अब जैसे हम लोग कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो हमको इसमें देखना है, जैसे आपका सक्सेसफुली कैप्चर होगा तो आपका यहाँ पर एक लाइट जलता है, आगे होता है फ्रंट में, ठीक है, बैक में भी लाइट होता है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर 89% यानी क्वालिटी इसका आया, सक्सेस रेटिंग आया हुआ है। तो इस प्रकार आप डिवाइस को टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको कहीं भी नहीं देखना, बस आपको जब आग को ऐसे लगाना है तो इसमें एक मिरर लगा होता है, आपको मिरर में देखना होता है, और जैसे मिरर में देखेंगे आपने आई को तो यहाँ पर सक्सेसफुली आपका कैप्चर हो जाता है। तो अभी ये हो गया सेट करने का टाइम, यहाँ पर सेटिंग हो चुका है। अभी चलते हम लोग स्पाइस मिनी एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो अभी स्पाइस मिनी एप्लीकेशन भी आ चुका हुआ है, पहले आयरिस इसका ऑप्शन नहीं था, और भी कोई कंपनी चलाते तो वहां पर इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते, इस पोर्टल में एरिस सिस्टम का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम लोग यहां पर ओपन कर लिया है, तो इसको हालांकि मैंने पहले कुछ टाइम पहले इसको यूज करके चेक किया हुआ है, तो यहाँ पर दिन में एक बार आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, ये जरूरी है, उसके बाद आप जितना भी इतना ट्रांजेक्शन करते कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे आप बायोमेट्रिक करते तो जो फर्स्ट वेरिफिकेशन वो आपको करना, चाहे आयरिस से कीजिए चाहे आप बायोमेट्रिक से कीजिए, फर्स्ट टाइम आप वेरिफिकेशन करके चले जाते हैं मार्केट में, कहीं भी चले जाते कोई दिक्कत नहीं, आपके घर पे आपके शॉप पे जो भी आपका स्टॉक है वो अपना दिन भर आसानी से काम कर सकता है। तो यहाँ पर 2-3 फायदे होने वाला है, पहला तो आप नहीं रहेंगे तभी आयरिस के बाद ट्रांजेक्शन हो जाने वाला, दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पर बैंक का बड़ौदा और साथ में सेंट्रल का पैसा विड्रॉ हो जाने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले करते हैं यहाँ पर एईपीएस विड्रॉल करके हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि यदि आप
बायोमेट्रिक स्कैनर के माध्यम से यदि आप F2FA करते हैं तो आपको यहाँ पर एरिस में भी दोबारा से करना पड़ेगा, एरिस इस्तेमाल कर रहे हैं। और यदि आप एरिस से ही 2FA कर लेते हैं दिन में फर्स्ट टाइम, तो अगर दोबारा से आप जाते हैं बायोमेट्रिक भी है फर्स्ट टाइम, तो बायोमेट्रिक बार आपको ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। दोनों पे एक बार कर लिए हैं तो दोनों चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एरिस से ऑथेंटिकेशन कर लिया फर्स्ट टाइम तो आपको उस पर नहीं करना पड़ेगा। एरिस से एक बार ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं वहां पर आपका 94 पैसा अगर मान लीजिए कट गया है, दोबारा से बायोमेट्रिक से करेंगे तो वहां भी कटने वाला है। और यदि आप मतलब एक बार में ऐसा नहीं है कि आपने बायोमेट्रिक से कर लिया तो आईरिस से करना पड़ेगा दोबारा आईरिस बैंक, तो अभी मैंने आईरिस से कर लिया है। तो जैसा कि हम लोग AEPS कैश पोर्टल पे जाते हैं तो यहाँ पर अभी देखिए दोबारा से आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा ऑथेंटिकेशन करने का, ठीक है। जैसे आप आधार बेस ऑथेंटिकेशन को यहाँ पर मतलब हटा देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, तो नीचे आपको यहाँ पर आईरिस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम लोग आईरिस ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आईरिस सेलेक्ट कर लेना है, पहले हमने आईरिस डिवाइस यहाँ पर ले लिया है। अब चलिए किसी एक बैंक का हम लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन करके भी देख लेते हैं। तो नीचे आपने देख लिया हमने एरिस ले लिया है, यहाँ पर हम लोग बैंक का नाम ले लेते हैं। बैंक का नाम लेने का यहाँ पर हम लोग आधार नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर और अमाउंट डालते हैं। यहाँ पर अमाउंट डाल के आपको नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और स्कैन आई पे को क्लिक करना है, तो ऐसे आपको यहाँ पर लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा कैप्चर हो चुका हुआ है। तो जैसा कि आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने ही यहाँ पर सक्सेसफुली आईरिस स्कैनर के माध्यम से ट्रांजेक्शन हो गया। यहाँ पर हमने कोई भी 2FA नहीं किया क्योंकि ये मेरा ही अकाउंट है। और बायोमेट्रिक क्या होता है कि एक बार आपको आईरिस स्कैन उसका 2FA भी करना कंपलसरी होता है। तो इस तरह आप आईरिस स्कैन के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, हालांकि दोबारा लिमिट क्रॉस हो गया होगा, लेकिन एक बार मैं आपको टेस्ट करके और दिखाता हूँ। लेकिन जब दोबारा करेंगे तो यहाँ पर होगा कि जब भी हम लोग कस्टमर का डिटेल डालते हैं और कैप्चर करते हैं, कस्टमर का लगने के बाद यहाँ पर एजेंट कई फिंगर या स्कैनर मांगता है मान लीजिए बायोमेट्रिक में, लेकिन यहाँ पर नहीं मांग रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने वीडियो बताया था आपको कि यहाँ पर कोई भी आपको 2FA करने की जरूरत नहीं है बार बार। चलिए दोबारा से हम लोग 100 रुपए डाल के टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इससे भी हमको पता चल जाने वाला कि हमारा काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग करेंगे हमारे भी यहाँ सोल्यूशन शो कर देगा। तो चलिए हम लोग एक बार दोबारा से स्कैन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैप्चर बिल्कुल 100% का बहुत ही, देखिए यहाँ पर लिख क्या रहा है सस्पेक्ट फ्रॉड क्योंकि हमने एक बार ट्रांजेक्शन कर लिया है, ठीक है। अभी अगर दोबारा से मांगना होता तो हमारे बाद यानी कि कस्टमर के बाद एजेंट का मांगता है। तो इस तरह आप आईरिस स्कैन माध्यम से यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यदि आप भी अकेले अपनी शॉप पे बैठते हैं यानी कि आपको मार्केट वगैरह जाना होता है तो आपके आपके शॉप पे कोई स्टाफ है, उसके जरिए आप एक बार 2FA करके चले आएंगे तो दिन भर वो आईरिस स्कैन माध्यम से दिन भर पूरा ट्रांजेक्शन कर सकते, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। या कोई और भी आपको आईडी को मतलब मैनेज करना चलाने वाला है जो कि कहीं और चलाना चाह रहा है, आप कहीं और जा रहे हैं, तब भी आप एक बार ऑथेंटिकेशन करके देखो, पूरा दिन आसानी से चला सकता है। और लोगों को लगता है कि ये काफी दिक्कत ही है, काफी मुश्किल सी, बहुत ही आसान सा ट्रिप है। और कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो उनके जो हैंड के जो फिंगर होते हैं वो फिंगर के जो भी निशान वो सारे के सारे मिट जाते हैं, तो उस केस में उनका पैसा विड्रॉ नहीं हो पाता। तो आईरिस यहाँ पर बहुत ही बेस्ट मतलब डिवाइस है जो कि उसका पैसा आप निकाल सकते हैं। तो ये काफी पोर्टेबल डिवाइस है और बहुत ही आसान से हमारे कस्टमर का यानी हमारा बिजनेस भी इंक्रीज करने वाला है। तो कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बस यही आपको एक जानकारी शेयर करना था। वीडियो से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी लग सके। और किसी पर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन, तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।